आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा विधि, और साथ में हम आपको बताएंगे वो मंत्र जो आपको उस दिन पढ़ने हैं। इस साल 2019 में अनंत चतुर्दशी 12 सितंबर को है और दिन है गुरुवार, भगवान विष्णु का ये दिन है। तो हम आपको शास्त्रोक्त नियम भी बताएंगे। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, और इस दिन अनंत भगवान की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए यह पर्व का जो महत्व है और बढ़ जाता है। तो इसके कुछ शास्त्रोक्त नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अनंत चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करें, तत्पश्चात नया या साफ धुला हुआ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में एक समय बिना नमक के भोजन किया जाता है या फिर पूरा दिन निराहार रहा जाता है, वो ज़्यादा उत्तम होता है। इसके बाद पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करना चाहिए और पुनः कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से बने अनंत भगवान की स्थापना करें, या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, इसलिए इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात दो मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद दो मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। तो 12 सितंबर को आप 6-7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, 7 बजे के बाद या 6 के बाद भी आप कर सकते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती क्षण में करना चाहिए। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। तो जब आप पूजा संकल्प वगैरह कर लें उसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। आप राशि अनुसार भी कर सकते हैं, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि राशि अनुसार कौन सा धागा आप ले सकते हैं। और वैसे भी अनंत को आप किसी भी धागे से मतलब तैयार कर सकते हैं। उस धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र आप तैयार कर सकते हैं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने रखें। आप इसे रेडीमेड बाजार से भी खरीद सकते हैं। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और आपको मंत्र का जाप करना है, और पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधना है। मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व वृणानंत सूत्राय नमो नमस्ते। मंत्र हम वापस पढ़ दे रहे हैं और मंत्र हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं हो। मंत्र है अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम संभुद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व वृणानंत सूत्राय नमो नमस्ते। ये मंत्र है। तो जब पूजा स्थल पर आप बैठे हैं तो वहाँ पे अक्षत, दुर्वा, कुमकुम, केसर, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने हल्दी से रंगे अनंत सूत्र बना लीजिएगा, और बाजार से नहीं तो खरीद लीजिएगा। अब ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है उसका अर्थ है कि हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें, साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है।
मंत्र के उच्चारण तथा पूजन के अनंतर अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ के बाजू में और स्त्री अपनी बाएं हाथ की भुजा में बांध लेना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और ये सब पूजा पाठ शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी आपको शुभ और मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। पूजा वगैरह के बाद आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।